हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंडी लर्नर। काफ़ी सारे छात्रों ने सी वी रमन यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में जो है डीसीए पीजीडीसीए का एग्ज़ाम दिलाया हुआ था, आज उनका रिज़ल्ट घोषित हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जो है रिज़ल्ट को किस तरीके से देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी जो रिज़ल्ट सेक्शन है वहाँ पे आपको आ जाना है। आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट में क्लिक कर लेना है सी वी रमन यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ पे देखिए सी वी आर यू प्राइवेट करके दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोनों में से एक का चयन कर लेना है। तो चलिए मैं प्राइवेट का चयन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जैसे आप पहले जब एग्ज़ाम दिला रहे थे तो उसमें एक ई वाली ऑप्शन आपको देखने को मिलता होगा। तो जो ई वाली ऑप्शन था, आपका जो है पासवर्ड था दोस्तों, तो यहाँ पे उस पासवर्ड को आपको दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होता है दोस्तों, उसको आपको टाइप कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पहले तो मंथ दिया हुआ है, फिर डेट दिया हुआ है, फिर ईयर दिया हुआ है, तो ऐसे आपको फॉर्मेट में टाइप करना है। मैं यहाँ पे 10/27/2000 करके यहाँ से मैंने टाइप कर लिया दोस्तों। टाइप करने के बाद देखिए, यहाँ पे हम जो है सेमेस्टर ज़ीरो करके दिया हुआ है, चाहे तो आप 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। और यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप सर्च रिज़ल्ट में क्लिक करेंगे, आपका जो है रिज़ल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से, आपका जो है रोल नंबर है, आपका जो कोर्स है, आपका नाम और आपका फादर का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें दिए हुए हैं, जैसे कि आपका जो थ्योरी का नंबर जो है, थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, और असाइनमेंट का दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये टोटल मार्क दिया हुआ है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, एलजी है या सीपी है या सीई है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एलजी का मतलब होता है लेटर ग्रेड होता है दोस्तों। तो लेटर ग्रेड में आप लोगों को देखिए ए मिला है, किसी को बी प्लस मिला है, देखिए ए मिला है, बी प्लस मिला है, बी प्लस मिला है, सी प्लस भी मिला हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से लेटर ग्रेड में आपको जो है ये ग्रेड आपको दिया गया है। सीपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, आपको ग्रेड पॉइंट में देखिए, किसी को 4 मिला है, कहीं पे 2 मिला है, कहीं पे 2 मिला है, कहीं पे 4 मिला है, तो इस तरीके से आपको जो है ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है। नेक्स्ट जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीई दिया हुआ है, तो सी जो होता है क्रेडिट अर्नेड होता है, तो यहाँ पे आपने कितने क्रेडिट अर्नेड किए हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, देखिए ये पीजीडीसीए का है दोस्तों, आपको यहाँ पे पीजीडीसीए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपकी जो पीजीडीसीए जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है आपका, ये कितने नंबर का होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है 600 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 600 नंबर का होने वाला है। और जो ये सेकंड सेमेस्टर होता है, यहाँ पे आपको देखिए 2 नंबर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, इतना ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है। तो सेकेंड सेमेस्टर जो होता है दोस्तों, आपका टोटल जो इनका मार्क्स होता है वो 700 का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 700, 7 और 6 हो जाते हैं टोटल 13। अब यहाँ पे जो टोटल जो है आपका मार्क्स दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स दिया हुआ है उसको आपको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 13 से आपको भाग दे देना है, ठीक है दोस्तों। आप 13 से भाग दे देंगे, आपका जितना भी नंबर आया रहेगा उसको आप 13 से भाग दे देंगे, तो आपका जो टोटल प्रतिशत है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रतिशत को निकाल पाएंगे। जो पीजीडीसीए और डीसीए दोनों का जो है रिज़ल्ट आ गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है, आपको यूनिवर्सिटी चयन करना है, फिर आपका जो पासवर्ड के लिए आप अप्लाई करते थे उसको फिलअप करना है, ई संख्या वाली को, और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है, फिर यहाँ पर सर्च सेमेस्टर में आपको 0 ही रहने देना है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अपना रिज़ल्ट जो है चेक कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से ही सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।